हेलो दोस्तों व्हाट इफ नॉट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में चलता है कि सर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं है मेरी जो रैंक आ रही है उस उसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिलेगा आपने जो बताया उसमें भी मैंने देख लिया अब गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं है तो मैं क्या करूं ये सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन होता है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ये देखिएगा ये देखने के बाद में आप अपना डिसीजन जो है वो अपना स्ट्रांग कर सकेंगे तो फिर अब कहा जाए सर ड्रॉप लू क्या वापस एमबीबीएस नहीं है तो फिर प्राइवेट से एमबीबीएस कर लू क्या कोई सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी क्या जिसकी फीस कम होती है या सर मैं बीडीएस कर लू बी एम एस कर लू या फिर कोई और ऑप्शन है तो वो बता दीजिए तो मैंने इस तरीके से आपको एक सिक्वेंस में ये चीज बताई है कि अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो फिर क्या बीडीएस करूं क्या बीएमएस करूं क्या या फिर अदर्स के अंदर कोई बीएचएमएस कर लूं या फिर मैं कोई वेटरनरी साइंसेस में चला जाऊं या कोई बीएससी कर लू या फिर मैं ड्रॉप लू या मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाऊँ ये सब अदर्स जो है अदर वाला सेक्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कवर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और भी कोई ऑप्शन होंगे तो वो बताऊंगा फीस क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीडीएस के बारे में कई स्टूडेंट्स के डाउट थे जो मैंने मेरे क्वेरी जो फॉर्म था उसमें भी देखे कमेंट्स में भी देखा कि सर जब गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिलती है तो हमें बीडीएस करना चाहिए क्या अगर हम चाहें बी करना तो लास्ट 2019 का डेटा बता दीजिए हमें ऑल इंडिया कोटा का जिसमें बीडीएस की हर स्टेट की लास्ट सीट जो है कॉलेज की वो कौन से रैंक पर गई थी तो इस साल जो है वो हम हमारी रैंक के अंदर तीन हजार रैंक तो ऐड करेंगे ही करेंगे और लास्ट ईयर की जो रैंक है उसमें भी तीन हजार कर लेते हैं है ना तो जब लास्ट ईयर की रैंक में जब तीन हजार एड करेंगे तो उसके बाद जो स्कोर आएगा जो रैंक आएगी वो हम देख लेंगे कि हमको वो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इन सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स इस वीडियो के अंदर मिलेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा डेंटल कॉलेज मिलने जा रहा है और कौन सा नहीं मिलने जा रहा है तो ये देखिए बीडीएस के बारे में कुछ स्लाइड्स दे है मैंने स्टेट दे दिए मैंने कॉलेजेस के नाम दे दिए मैंने सारे कॉलेजेस मेंशन कर दिया स्टूडेंट यहाँ पर ये डेंटल कॉलेजेस हैं प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का और मैंने एस सी कैटेगरी एस टी कैटेगरी इन सभी कैटेगरीज के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है देखो तो इस तरीके से लिस्ट स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट महाराष्ट्र मणिपुर ओडिशा पुण्डिचे केरला पंजाब राजस्थान आप देखिए राजस्थान ये मेरा मेडिकल कॉलेज था आर यू एच एस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है पहले 2010 के अंदर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज GDC जयपुर हुआ करता था एस मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड एक डेंटल कॉलेज था 2010 में जो मैंने ले लिया था जो मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूं कि मैंने जो गलती की थी तीन हजार रैंक मेरी थी तीन हजार पंद्रह ऑल इंडिया रैंक के ऊपर त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज लास्ट ऑल इंडिया कोटा गया था स्टेट में तो मेरे को वैसे ही नहीं मिल रहा था ठीक है तो फिर जब ऑल इंडिया रैंकिंग में तीन हजार पंद्रह पे त्रिपुरा एमबीबीएस खत्म हो गया गवर्नमेंट तो मेरे को तो जाना तो गवर्नमेंट में था तो ये देखो वीडियो मेरे जैसो वालों के लिए है व्हाट इफ नॉट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तो उस टाइम मेरे पास में नहीं थी ना गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तो फिर मेरे पास सारे ऑप्शन कौन से थे बीडीएस वाले ऑप्शन थे तो या तो फिर मैंने डिसीजन लिया होगा सोचो कि मैं बीडीएस करूं या नहीं करूं या फिर मैं ड्रॉप लू या नहीं लू या फिर मैं प्राइवेट से कर लूँ क्या फीस देखता हूँ पाप को बोल देता हूँ जो भी आप कहेंगी सर मुझे ये इतनी फीस के ऊपर कॉलेज में चला जाना चाहिएगा ये सारे डिसीजंस कब आते हैं जब आपके सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस के है ना तो मेरे भी खत्म हो गए थे तो फिर मैंने क्या डिसीजन लिया बीडीएस करने का उस टाइम पे अच्छा स्कोप हुआ करता था बीडीएस का है ना धीरे दिर धीरे स्कोप थोड़ा कम हो चुका है तो बीडीएस के अंदर जब गए तो पीडीएस के तो ऑल इंडिया के सारे कॉलेजेस मेरे सामने थे अगर मान लो कोई ऐसा वीडियो मेरे को मिल जाता उस टाइम पे जिसमें सारे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा के वो अगर मेरे पास में अगर ऐसे होते तो मेरे को पता लग जाता ना कि मेरी क्लोजिंग रैंक इतनी है और लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक पे इतना गया था आसपास उसी के आसपास कॉलेजेस जाते हैं तो मेरे को पता लग जाता ना स्टूडेंट्स कि कौन से डेंटल कॉलेज मेरे को मिल सकते हैं सारे डेंटल कॉलेजेस मेरे पास में थे जीडीसी मुंबई नायर अभी मैं दिखाऊंगा आपको है ना और आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया भी होगा महाराष्ट्र स्टेट के तो जहां मैं जाना चाहता था मुंबई वो मुंबई में नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था मिलेगा या नहीं मिलेगा और दूसरी एक और बात है फिर जब सारे पियर प्रेशर होता है स्टूडेंट सारे दोस्त वगैरह बोलते हैं क्या करेगा मुंबई जाकर के जयपुर रह जाना यार यहीं पर रह जाए फिर बाद में मैंने रैंकिंग नंबर सेवन वाला डेंटल कॉलेज ले लिया जिसका नाम आज आर डेंटल कॉलेज है तो फिर आपके डिसीजन जो होते हैं वो फिर बाद में आपको लगता है कि यार ये गलत डिसीजन हो गया यार जी चला जाता मुंबई में तो सही रहता तो आप ऐसी गलती ना करो ना तो आपके पास में लिस्ट है ना देखो स्क्रीनशॉट लो आर यूएचएस कहा है आप देखिए राजस्थान का आर यूएचएस तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे ऑलमोस्ट चौदह हजार रैंक के ऊपर यानी बारह हजार छह सौ अठारह बारह हजार छह सौ अठारह पे लास्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट गई थी पंद्रह परसेंट कोटा से तो आप सोचो कि उसके बाद रैंकिंग वाले जो है उनको लास्ट तक आर यूएस अगर जयपुर कोई जाना चाह रहा है जिसकी इच्छा हुआ जयपुर ही रहने की है तो डेंटल कॉलेज लेगा तो उसकी एटलीस्ट रैंक लास्ट की कितनी होनी चाहिए थी तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे रैंक एटलीस्ट होनी चाहिए थी इस साल इसमें तीन हजार एड कर दो तो लगभग सत्रह हजार रैंक इस साल होनी चाहिए तब जाकर आर यूएचएस डेंटल कॉलेज मिल जाएगा आपको ठीक है इसी तरीके से हर स्टेट वाला अपने अपनी कॉलेज देख लो और उसमें कितनी रैंक एड कर दो लगभग तीन हजार रैंक इस साल एड कर देना इसमें सब में तो इस रैंक के आसपास आपको क्या मिल जाएगा सारा कॉलेज मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये लिस्ट अपने अपने स्टेट की देखने के बाद ऑल इंडिया कोटा रैंकिंग के ऊपर ऑल इंडिया कोटा से अगर आप डेंटल कॉलेज देना चाहते हो तो आपको वो ऑप्शन दिमाग में क्लियर हो गया होगा नहीं हुआ है तो आप डाउट पूछना चाहते हैं तो अगेन मैं कहूंगा आपको लिखो क्वेरीज को भेज दो मेरे पास में लाइव सेशन लूंगा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक लाइव सेशन किया जाएगा उस लाइव सेशन में जितने भी डाउट्स आएंगे उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा टिक 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 मुझे क्या मिल रहा है सर ये मिल रहा है आपको ये मिलेगा आपको मिलेगा तो मिलेगा तो था था ये मिलेगा आपकी रैंक ये स्टेट ये आपका कोटा ये आपको तो ये मिलेगा इस तरीके से और लाइव सेशन के अंदर सारे डाउट्स क्लियर होंगे तो आप उस फॉर्म के अंदर अपनी क्वेरीज जरूर डालिएगा ओके दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में थैंक यू